बहन श्रीमती सुधा जैन जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी, हरिशंकर राठौर जी, राजकुमार जी, राम सेवक जी, चूंकि मेरी कई सभाएं मैं बहुत देर से पहुंच पाया हूं, कल भी दो सभाएं रह गई थी, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, नारे मत लगाओ भैया। बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में से 54 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जयसिंह नगर वालों, 54 साल के विकास के काम एक तरफ रख दो और 15 साल के एक तरफ, तो हमारे 15 साल उनके 54 साल से 15 गुना भारी पड़ेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस के राज में सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? जरा जोर से बताए, थी क्या? बिजली आती थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था होती थी क्या? अरे अकेले बुंदेलखंड की धरती पर 6 लाख एकड़ से ज्यादा में सिंचाई की व्यवस्था की है या करने का काम किया है? तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस विकास नहीं करती, कांग्रेस ने हमेशा विनाश किया। कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश को गड्ढे में धकेलने का काम किया। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। इनके केंद्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश के नेतृत्व तक आतंक भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आजकल एक विज्ञापन दे रहा है ये टेलीविजन पे, गुस्सा आता है, आपने देखा होगा गुस्सा आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जयसिंह नगर वालों, क्या आपको मुझ पर गुस्सा आता है? जोर से बताएं, आता है क्या? गुस्सा कांग्रेसियों को आता है। और गुस्सा क्यों आता है? अरे ने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को गड्ढों वाला प्रदेश बना दिया। हमने 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बना के मध्य प्रदेश की जनता को दे दी, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। इन्होंने मध्य प्रदेश को सूखे का प्रदेश बनाया। हमने सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर दी, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। इनके जमाने में बिजली नाम मात्र के लिए भी नहीं होती थी, हमने 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार मध्य प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार किया। और गरीब बहनों और भाइयों, क्या है बेटी, तिलक बाद में करना, बैठ जाओ, इधर इधर बैठ, इधर बैठ जाओ, नहीं इधर बैठ जाओ, बेटी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करो, इधर आ जाओ, इधर हमने गरीब के घर में भी बिजली पहुंचा के निःशुल्क और उसके घर को रोशन कर दिया, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। आजकल किसान की बड़ी बात कर रहे हैं कांग्रेसी, राहुल बाबा भी आते हैं, किसान कर्जा माफ करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। अरे जाकर कर्नाटक में देख लो, किसी किसान का कर्जा माफ सरकार बनने के बाद कांग्रेसियों ने नहीं किया, पंजाब में नहीं किया, कर्नाटक ने नहीं किया। लेकिन आजकल तो इसको निमित कर देंगे, फलानी चीज कर देंगे। अभी कांग्रेसियों से कहो कि चंदा मामा तोड़ के ला दोगे, कि हाँ 10 दिन के अंदर वो भी तोड़ के ला देंगे। सरकार वरकार तो आनी नहीं है, तो अल्ले टप कुछ भी धांसले मार रहे हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। अरे ये कांग्रेस थी जिन्हें 18% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया था, मैंने घटा के 0% कर दिया, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और किसान भाइयों, मेरे पास समय नहीं है, आप ही बताना, जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया किसानों के खाते में, शिवराज सिंह चौहान ने दिया, बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? ढेला तो कभी दिया नहीं, दमड़ी कभी दी नहीं। और आज किसान की बात कर रहे हैं, पर की साल 2000 रुपया कुंटल गेहूं बिका था, इस साल तैयार हो जाओ 2100 रुपया कुंटल गेहूं खरीदूंगा, सीधे किसान के खाते में पैसे पहुंचाऊंगा। सोयाबीन बेच लिया मंडी में, चिंता की बात नहीं है, अब 500 रुपया कुंटल और खाते में डाल दूंगा ताकि किसान को ज्यादा पैसा मिल जाए। और एक बात सुन लो छोटे छोटे किसान भाइयों, जो समर्थन मूल्य को बेच नहीं पाते क्योंकि घर का पैदा होता ही नहीं है, कि बेचने चले जाए खरीदी केंद्रों पे, ए मेरे छोटे किसान भाइयों, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, मैंने तय किया है कि जो समर्थन मूल्य को बेच नहीं पाते, घर पूर्ता पैदा होता है, 2-4 एकड़ के किसान, उनको भी
बड़े किसानों की तरह जैसे 265 समर्थन मूल्य पे बोनस दिया तो इनकी 2 एकड़ जमीन है और 30 क्विंटल गेहूं पैदा होता है तो 265 गुना 30 करके और खाते में पैसा डाल दूंगा छोटे किसानों के भी, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। और डिफॉल्टर जो किसान है उनके लिए ऋण समाधान योजना के अलावा हमने तय किया कि कोई कर्जे का बोझ ना रह जाए उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। चिंता मत करना किसान भाइयों, मुझे केवल एक बात आज बता दो, आप सबको मुझ पर विश्वास है, जोर से बताओ है, तो ये केवल वादे करेंगे। और राहुल गांधी तो देश में रहते, कमल विदेश में रहते हैं, कमलनाथ भी अपने प्रदेश के नहीं है, कलकत्ता से आए हैं, ये वादे करके रुक निकल लेंगे, ये तो ठहरे परदेशी, साथ क्या निभाएंगे। इतनी कह रहा हूं परदेशियों से लाखियां मिलाना, अपने देसी काम आएंगे। हम किसान के खाते में ज्यादा पैसा डालते हैं इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और मेरे भांजे भांजी हेलीकॉप्टर से चला रहे, मामा ओ मामा हाथ मिला ले, मामा सेल्फी खिंचा ले, मामा मेरे बेटा बेटियों तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होगा, पहली से लेके और पीएचडी तक सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, सबकी उनकी शिक्षा की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा, मेरे बहनों और भाइयों किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा। लेकिन हम बच्चों के शिक्षा के पैसे भीख भरवाते हैं तो कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और मेरी बहनों मेरी बेटियों से जाके कह देना, मामा कह गए 12वीं में अच्छे नंबर लाई, 75% तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, चिंता ना करें। मेरी बेटियां खूब अच्छे से पढ़ना, मेरी बेटियां तू भी अच्छे पढ़ना, आगे बढ़ना, सब बेटियों के साथ मामा खड़ा है। गरीब बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस करती रही गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा जी के जमाने से दिया, झूठे वादे करते हटी जा कांग्रेस से गरीबी। मैं शिवराज सिंह चौहान आज आपसे कह रहा हूं, सुधीर जाओ और कह दो गरीबों से 2022 तक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर गरीब के पक्के मकान बना दिए जाएंगे, कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहे। कांग्रेस ढोंग करती है, हम काम करके दिखा रहे हैं। मेरी बहनों बड़े बड़े बिजली के बिल तो जमा नहीं कर पा रहे थे, मैंने 77 लाख गरीब परिवारों के 6000 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जमा करवा के 0 करवा दिए, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और सुधीर चिंता विंता मत करना भाई, और रह गाँव के चुनाव के बाद फिर जमा करवा दूंगा, अपनी सरकार को फुकलेट सरकार थोड़ी दिग्विजय सिंह की तरह, कोई पैसे वैसे की कमी नहीं है। गरीबों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा, हम गरीबों के बिजली के बिल भरवाते हैं तो कांग्रेसियों को गुस्सा आता है, फ्री में इलाज करवाते हैं इनको गुस्सा आता है, अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए गरीब की 4 लाख रुपए भिजवाए इनको गुस्सा आता है, अंतिम संस्कार के 5000 भिजवाए इनको गुस्सा आता है, और मेरे बहनों और भाइयों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भिजवाए तो भी इनको गुस्सा आता है। मेरे बहनों और भाइयों एक बात और है जिसे बड़े गुस्सा है, राजे महाराजे उद्योगपति 15 साल हो गए कुर्सी हमारे पास नहीं है, कुर्सी के बिना रह नहीं सकते, एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना, 13 साल से सूखा कांटा मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। अरे मुख्यमंत्री तो राजे महाराजे बनते थे, ये किसान का बेटा कहां से बैठ गया, ये सहन नहीं हो रहा और इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे बहनों और भाइयों और इतने ऊट पटांग बोल रहे, मोदी जी को क्या कह रहे हैं, शोभा देता है, मुझे कहते हैं मना रही है, कभी कहते हैं पता नहीं नाटककार है, कभी और कोई विशेषण से और कोई विशेषण दे देते हैं, पता नहीं क्या हो गया इन कांग्रेसियों को, मुझे इसकी चिंता नहीं है। बहनों और भाई मैं तो केवल ये कहने आया हूं, आज बीमार हूं मध्य प्रदेश को, मैंने विकासशील बनाया, विकसित बनाया और आने वाले 5 साल में समृद्ध मध्य प्रदेश बना के आपको दे दूंगा, समृद्ध मध्य प्रदेश बना के आपको दे दूंगा। विकास के काम आज बिना नहीं पाऊंगा, जैसी नगर में तहसील मैंने खोली है, सुर्खी में नगर परिषद मैंने बनाई है, वो काम गिनाने का समय नहीं है आज, क्योंकि कई सभाओं में जाना है। मैं तो आपसे अपील करने आया हूं, ये कांग्रेसी 15 साल से सत्ता से बाहर है, भूखे टूटे आ गए तो कबाड़ा कर देंगे प्रदेश का, पता नहीं क्या करेंगे, विकास एक तरफ रह जाएगा,
मेरी बनाई सड़कों के गड्ढे तक ये नहीं भर पाएंगे, और इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, कोई कसर मत छोड़ देना समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। अरे मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में किसान को पसीने की पूरी क्यों मत दूंगा, मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में गरीबों की आय दुगनी करूंगा, और जब तक नहीं होगी रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम सरकार के खजाने से करवा के उनकी तकलीफ पी जाऊंगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई मैं करवाऊंगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करके नौजवानों को रोजगार से लगाऊंगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में माँ बहनों तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। एक नया समृद्ध मध्य प्रदेश मुझे गढ़ना है, और सुनिए इसलिए आपसे ये निवेदन करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। सुधीर जी कह रहे थे यहाँ के प्रत्याशी के बारे में, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ईमानदार कर्मठ ऐसा उम्मीदवार कि विधायक अगर बनेगा तो सुधीर अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़ा रहेगा। विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तुम बताओगे मैं पूरा करके दूंगा। और इसलिए सुर्खी वालों, जयसिंह नगर वालों, राहतगढ़ वालों, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए।